अभी आप किस क्लास में, ये भी बता दो। 12th। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं अनन्या 12th में है, और जब इन्होंने स्टार्ट किया था शिवज ने 10th क्लास ओनली, मतलब 10th क्लास के एक स्टूडेंट अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है और एक ब्रांड बना रहा है जिसका नाम है द डिवाइन डिलाइट्स। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि घर पे रहकर भी आप एक ब्रांड बना सकते हो, कामयाब हो सकते हो? ऐसी नए स्टार्टअप के बारे में बात करने वाला हूं मैं। आज मिलवाने वाला हूं आपको अनन्या जुनेजा से, जिनकी एज है 17 इयर्स ओनली, और उन्होंने ब्रांड बनाया है जिया केक मेकिंग में, और उनका जिनका ब्रांड का नेम है द डिवाइन डिलाइट्स, जो बनाती है होममेड केक्स जो कि प्रोफेशनल होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर इनके शहर की जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग रेस्टोरेंट्स थे जो केक बनाते थे, वो भी इनके सामने फेल है। तो आज आपको मिलवाने वाले हैं कैसे घर में रहकर उन्होंने केक और बहुत सारी पुडिंग्स होती हैं या चॉकलेट्स होती हैं वो ये प्रोफेशनल तरीके से बनाती हैं, और उनके पास ऑर्डर जो है वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। मैं हूँ इस समय सहारनपुर के नुमाइश कैंप में। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि अपने घर से कोई स्टार्टअप करना, आप चाहते हैं कि अपने घर से कोई ब्रांड बनाना, कोई भी काम स्टार्ट करना, तो आपको बस दो चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो मन चाहिए होता है, और नंबर तो चाहिए होता है, उसके लिए आपको डेस्परेट रहना। बात करूँ तो जब 17 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल कर सकती है, ब्रांड बना सकती है, तो आप क्यों नहीं यार, आप भी कर सकते हो। सिंपली आपको बस चीज़ें चाहिए, और वो कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा भी नहीं चाहिए। अगर आपका मन है किसी काम में, तो आप घर से स्टार्टअप कर सकते हो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी लो, कि ऐसे ही आपको मैं मिलवाता हूँ बड़ी बड़ी ब्रांड से जो घर पर रहकर जिन्होंने ब्रांड बनाए हैं, बिना पैसे के किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, बिना पैसे के अपनी मार्केट स्टैंड की है। जिसमें मिलवाने वाला हूँ अनन्या जुनेजा, ये बनाती है कपकेक्स, ब्राउनीज और उसके अलावा केक्स, और उनके पास 200 प्लस केक के ऑर्डर आ चुके हैं, और ये प्रोफेशनल तरीके से बनाती हैं। और आइए मिलवाते हैं उनसे और बताते हैं कैसे स्टार्टअप किया। हाय, दिस इज अनन्या जुनेजा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड आई एम अ होम बेकर। मेरे को 1.5 साल हो गया है काम करते हुए, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। रियली माई पैशन टर्न्स इनटू माई प्रोफेशन, एंड मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आपके दिल में जो हो, जस्ट डू दैट। बहुत नेगेटिविटी मिलेगी हर फील्ड में मिलेगी, बट जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स एंड योर पैशन। तो मुझे केक बनवाना था, और केक होता है इसमें जो होममेड का नाम अगर दिया है तो वाकई में ये ब्रांड है, क्योंकि इसमें यूज किया जाता है मिल्क, दही और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। सो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका कपकेक्स होते हैं, ये पुडिंग्स है, और आपका केक्स यहाँ पे बनाती हैं, केक्स, चॉकलेट्स, ब्राउनीज। ओके, और क्या क्या बनाते हैं अपन? कपकेक्स, ब्राउनीज, हॉट चॉकलेट बॉम, बनोफे पाई। ओके, मैनी मोर थिंग्स। सो आपने जब स्टार्ट किया तो कोई प्रॉब्लम आई ऐसे जनरली? फेलियर्स तो सबको फेस करने पड़ते हैं। ओके, मैंने भी बहुत फेलियर्स फेस करे हैं, बट अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करो, ट्राई करते रहो, कभी ना कभी एक दिन तो तुम पक्का कामयाब होगे। डेफिनेटली।
चलिए, सो जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर ना स्टार्टअप करना है कोई भी चीज़ जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटी आती है, तो उसे कैसे फेस किया आपने? मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा ये तू क्या कर रही है, तेरे को क्या ज़रूरत है, तेरे तो पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, तुझे क्या नीड है, तू किस लाइन में चलेगी, तू बहुत कुछ कर सकती, बट जो आपका दिल करे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जस्ट डू दैट। तो आपने कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था ये? मेरे को 2 years हो जाएंगे अक्टूबर में, यानी कि 2020 में आपने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में? जी बिल्कुल, अक्टूबर में, अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया था। अब तक आप कितने केक, कितनी पुडिंग्स वगैरह ऑलमोस्ट अब तक एवरेज बना चुके हो? 250+। ओके, 250+ केक के ऑर्डर्स यहाँ पर ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं। और ऑर्डर्स आपके पास, जैसे हम सहारनपुर से हैं तो कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? आउट ऑफ सहारनपुर भी बहुत जगह से आए हैं एंड गए भी हैं, बट आउट ऑफ सहारनपुर हम सिर्फ चॉकलेट्स की डिलीवरी करते हैं, नॉट फॉर द केक्स। अगर आप खुद लेके जा सकते हैं, मेल्ट होने का वो इशू रहता है, डिलीवरी पॉसिबल नहीं है केक की, बिकॉज चॉकलेट्स तो हम कोरियर के थ्रू भी भिजवा सकते हैं, बट केक इज नॉट पॉसिबल। अगर आप सहारनपुर के आसपास से वीडियो देख रहे हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एड्रेस भी, और साथ में जो इंस्टाग्राम यूट्यूब इनका चैनल है ऑलरेडी, उसका लिंक भी डाल देंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसे एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिना पैसे के भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दो चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो आपको पैशनेट है उसके लिए होना पड़ेगा, और एक कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी काम को करने के लिए। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने केक बनाया था सबसे पहले? सबसे पहले मैंने चॉकलेट से स्टार्ट करा था, ओके, बिफोर 10 days बिफोर दिवाली, एंड ऑन 24 दिसंबर आई मेड माई फर्स्ट केक। तो जैसे फर्स्ट केक जिसको आपने सोल्ड किया, क्या रिव्यू आए थे उनके? That was for my friend's birthday and he was very happy after eating the cake. और उसके बाद भी उसने बहुत केक्स लिए हैं मेरे से। चलिए, तो अभी आप किस क्लास में, ये भी बता दो? 12th। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं अनन्या 12th में है, और जब इन्होंने स्टार्ट किया था सीवज ने 10th क्लास ओनली, मतलब 10th क्लास के एक स्टूडेंट अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है और एक ब्रांड बना रहा है जिसका नाम है द डिवाइन डिलाइट्स। और आप भी अगर चाहो तो स्टार्टअप कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो एक एग्जांपल है कि केक में आजकल डिमांड है। अच्छा, जनरली जो फैक्ट्रीज में केक बनाते हैं उनमें क्या क्या मिलावट जनरली रहती है? मैं इन सेंस में प्रीमिक्स यूज होते हैं, बिकॉज आई यूज मिल्क एंड कर्ड, वो कभी भी मिल्क और कर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है। जी बिल्कुल, वो इतने मतलब इतना सस्ता वो इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो मटेरियल ही वो वाला यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे एग डालते हो तो एग से सस्ता पड़ता है? मैं एग यूज ही नहीं करती हूँ, मेरा सारा एगलेस बेस्ड है। क्या बात है, चलिए, तो एगलेस बेस्ड केक और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ रहती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिलहाल जो हमारा केक बनाया तो क्या रेट रहता है जनरली, एक बार आप बताएं? मेरे 350 से स्टार्ट है और बाकी फ्लेवर्स एंड पॉन्ड्स के अकॉर्डिंग। और जैसे ये पुडिंग्स है, ये क्या प्राइस होता है इसका? ये 50 rupees का, इसके अंदर चॉकलेट केक्स है और इसमें बहुत फ्लेवर्स हैं। ओके, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, मिक्स फ्रूट, रेड वेलवेट, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट ट्रफल, बहुत फ्लेवर्स हैं। और ये जो कप केक है ये 30 rupees, ये 30 rupees का है। चलिए, तो जनरली जैसे बर्थडे वगैरह के लिए या पार्टी वगैरह के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, हर चीज के डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल। और चॉकलेट का क्या प्राइस रहता है? चॉकलेट के छोटे 10 से स्टार्ट हैं और आगे कस्टमाइज पैक्स, जैसे क्या क्या ऐसी सीरीज आप यूज करते हैं थोड़ा ये भी? चॉकलेट के बॉक्सेस हैं, ओके, ये वैलेंटाइन्स पे यूज हुए थे, आप वैसे बर्थडे के उसके अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, चॉकलेट के पैक्स हैं ये। तो देख सकते हैं आप, ब्रांड ऐसे नहीं बनती, ब्रांड बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो चीजें यूज करनी पड़ती है जो प्रोफेशनल यूज करते हैं। आप देख सकते हैं सारी ऐसी सीरीज है, केक बॉम्ब है, क्या बात है, इसकी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है, तो आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। तो मैंने एक चीज और सुनी है कि हमारे शहर में एक केक आपने स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? पिनाटा केक। पिनाटा, तो पिनाटा जो स्टार्ट हुआ था हमारे शहर में, मेरे ख्याल से आसपास के भी शहर में, तो वो अनन्या ने स्टार्ट किया था और अब सब कॉपी कर रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ है जी। और जैसे ऐसी सीरीज होती है तो ये कहाँ से अवेलेबल होता है, आप कहाँ से लेके आते हो? दिल्ली, गाजियाबाद, पंजाब, मुंबई, हर अलग अलग, तो सब ऑनलाइन मिल जाता है? ऑनलाइन भी मंगवाती हूँ, खुद भी जाके लेकर आए हैं सहारनपुर में भी, बट इतना अवेलेबल नहीं है सहारनपुर में, मोस्टली हमें ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ता है। चलिए, तो वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तो कितनी मनी आपको स्पेंड करनी पड़ी थी, मतलब कितना पैसा लगाना पड़ा था? 10,000 इन स्टार्टिंग। तो 10,000 rupees से स्टार्ट किया था केक का बिजनेस और आज ब्रांड है भाई, जो एक बार खा लेता है, जो भी खाता है ना, मतलब वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर आती है, जिसे रीऑर्डर कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा
सबसे पहले तो अनन्या को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप कितना नेम फेम है आपके पास। और मैं लास्ट टाइम भी केक लेके गया था, दैट टाइम मेरी वाइफ का जब बर्थडे था, अब मैं दोबारा से आया हूँ लेने के लिए। और आप अगर केक परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ से अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो एक मोटिवेशन भी आपको मिल रहा है। जब एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल स्टार्ट कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच अनन्या, नाइस मीटिंग यू, और गॉड ब्लेस यू कि आप आगे और ज़्यादा तरक्की करें, ठीक है, इस ब्रांड को और आगे ले जाएं। क्योंकि जनरली लोगों की सोच रहती है कि लड़की क्या कर सकती है, लड़की को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब करना होता है ना तो कोई बहाना नहीं होता। कामयाब वो होते हैं जो बहाने नहीं करते, जो बहाने करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं अनन्या की मदर, जिनका नाम है डिंपल जुनेजा, जो एक टीचर हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जब अनन्या ने स्टार्ट किया। प्रॉब्लम्स तो मैं यही कहूँगी कि नहीं आई कोई भी, लेकिन जब इसने मुझे ये बोला कि भाई मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में, कि मुझे बेकर बनना है, और आई कांट बिलीव, मैंने बोला कि भाई बेकर, क्योंकि मैं खुद एजुकेशनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा तो यही था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। लेकिन मैंने एक इसके इंटरेस्ट को मोटिवेट किया कि इसकी ग्रोथ देख के कि पैशन टर्न्स इनटू प्रोफेशनल। क्या बात है, तो मतलब पढ़ाई में कोई फर्क पड़ता नहीं, है इस... पढ़ाई को ये टाइम देती है पूरा। अभी मैंने इसके मार्क्स वगैरह देखे तो आई एम सेटिस्फाइड विद हर, इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, मैं आज थोड़े मेरे व्यू चेंज हुए हैं। मुझे ये लगता है कि हाँ, जिसमें इंटरेस्ट हो बच्चे का उसको मोटिवेट करना चाहिए। वो अगर हम उसे जबरदस्ती किसी और प्रोफेशनल में डालेंगे, वो हो सकता है ग्रो करे, लेकिन इतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप मैनेज कर लेंगे। तो अनन्या में इंटरेस्ट था इस चीज़ को लेकर, बेकरी को लेकर, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज किया, मार्क्स भी अच्छे लाए और इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अनन्या से मिलवाया, उनकी मदर से मिलवाया, 10,000 रुपये से स्टार्ट किया गया बिजनेस, जिसका इंटरेस्ट के बेसिस पर स्टार्ट किया था, और आज वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। आप भी अगर केक वगैरह कुछ परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से सीख सकते हैं कि हम चाहें तो अपने घर से भी कोई स्टार्टअप कर सकते हैं और उसे एक ब्रांड बना सकते हैं, बिजनेस में खड़ा कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया केक का, ज़रूरी नहीं आप कोई पिकल्स बना सकते हैं या पापड़स लोग बनाते हैं, होममेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और अपने इस चैनल पर आगे बहुत कुछ ऐसे आपको मिलने वाला है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अनन्या की मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं चैनल के, तो वहाँ पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इस तरह ही प्यार देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।